चर्चा तो सदन में हो जाती, निर्णय तो सरकार लेती है, सरकार का मुखिया सदन का प्रमुख आज योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी इस बात को कब मानेंगे, ये सब बात घूम फिर कर यही आती है। क्या न्यायालय जब उनको फटकारेगा तब मानेंगे? तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तब तो ये पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान होगा। इसलिए सुरेंद्र दुबे सर सही कह रहे हैं, अदालत ने जो अभी फटकारा है ये फटकार और सख्त होगी आने वाले समय में। और ये हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो अभी वो स्तर हासिल भी उन्होंने नहीं किया है कि उनको कुछ मानदेय मिले। अभी तो वो अपने मम्मी पापा से पैसा ले लेके फॉर्म भर रहे हैं। अब उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो जमीन बेच के रिश्वत दे। इसके लिए भी एक संघर्ष खड़ा हो रहा है। हालांकि इस संघर्ष का मतलब ये बेचारे विद्यार्थी अभी इतनी जल्दी नहीं समझेंगे, लेकिन उनको समझना पड़ेगा। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो उनको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब अगले एग्जाम की तैयारी करो, इसको भूल जाओ। तो कैसे रिएक्शन आ रहा है, जो लोग संघर्ष में उनका रिएक्शन आ रहा है ना कि ये सलाह गलत है, क्योंकि अगले एग्जाम में भी यही होगा। जब हम इस बात को पहचान लेंगे कि नहीं संघर्ष ही रास्ता है, इससे ही हम चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं, तभी हम मुकाम को हासिल करेंगे। ये सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि एक अधिकार की लड़ाई हमने जीत ली तो आगे अधिकार की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। आगे बढ़ाते हो, सबसे पहले यूपीएसआई भर्ती के माही जी की बात सुन ले। कल बहुत भावुक हो गए थे, अपनी बात कह रहे थे। क्योंकि मामला जब अटक जाता है, अब यहाँ तो अटका और भटका सब कुछ है। आप लोग तो प्रत्यक्ष गवाह हैं, सुरेंद्र सर हैं, आप भी थे, प्रेम सर भी थे, कौशिक जी भी थे। जिस तरीके से वो पीड़ित बच्ची रोई थी, उसने मुझे पहले उस वीडियो ऑडियो ने विचलित कर दिया था, अब उस बेटी ने विचलित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि जब उसने अपने बाप खोए और उसके बाद उसने परीक्षा में स्थान भी खो दिया। बात ऐसा नहीं है, फेल होते हैं, हताश होते हैं, लाखों लोग पेपर देते हैं। आज 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, 600-700 लोग पास हुए हैं। ये लोग धरना नहीं देंगे जो फेल हो गए, क्योंकि परीक्षा में पारदर्शिता है, सुचिता है, यही तो डिमांड है। डिमांड इस बात की नहीं है कि मैं क्यों नहीं पास हुआ, डिमांड इस बात की है कि परीक्षा में हेर फेर क्यों हुआ। बात प्रॉब्लम इस बात की है, जो एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी उससे परीक्षा कराई क्यों गई, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब परीक्षा ब्लैक लिस्टेड कंपनी करा रही थी और लोग जेल जा रहे हैं, तो इस पर यह सवाल क्यों नहीं बनता है कि इसमें धांधली है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है? इसे कैसे डिनाई कर दोगे कि कोई गड़बड़ी नहीं है? ये तो मनमानी बात है कि हम नहीं मानते। अरे मत मानिए। क्या लग रहा है माई जी, क्या लग रहा है बच्चों में कितना रोष है? और अभ्यर्थी दोनों ही परेशान है, जिनका हो चुका है वो भी परेशान है, जिनका नहीं हो चुका है वो इस उहापो में है, होगा क्या इस भर्ती का? सबसे पहले तो शिव कुमार जी, मैं सभी माननीय पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। सर, मैं जो अभी प्रेम कुमार जी, माननीय प्रेम कुमार जी और कौशिक जी जिस मसले पर बात कर रहे थे, मैं उसको 2 लाइनों में यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, देखना वो भी पड़ेगा जो देखा न जाएगा, पैमाना भर चुका है चिकनी चुपड़ी बातों से, अब और ज्यादा सरकार का झूठ संभाला न जाएगा। ये बिगुल बच चुका है, आज का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। आज सबसे बड़े जो 3 मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होती है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। रही बात यूपीएसआई की, तो मैं शुरू से इससे जुड़ा हुआ हूं। आज आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं शिव कुमार जी, कि आज गिरफ्तार होने वालों की संख्या 167 हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होके, एक मंदिर में खड़े होके, जो है लोकतंत्र के में, यह कहते हैं कि इस पेपर में धांधली नहीं हुई है। 500 से ज्यादा लोग इस पेपर में एब्सेंट हो चुके हैं, और वो भी कौन, जिनके क्वेश्चन 160 में से 145 से ऊपर क्वेश्चन सही हैं, वो लगभग 500 लोग इस पेपर में एब्सेंट हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमको डीबीपीएसटी देंगे तो पुलिस ना पकड़ ले। अगर ये बच्चे इको गार्डन में बैठे ना होते, शिव कुमार जी आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये आंदोलन ना हुआ होता, इनमें ये रोष ना होता, तो आज 167 की गिरफ्तारी और 500 लोग अनुपस्थित, क्या ये 600 बंदे इसमें से बाहर होते? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कल बताया था आपके इसी चैनल के माध्यम से, कि 10 दिसंबर को पहली आंसर की आई थी और जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था तो भर्ती बोर्ड ने ये बात कही थी कि हम जानकारी कर रहे हैं, हम इस विषय पर काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल भ्रामक खबरें हैं कि इसमें कोई भी धांधली हुई है। उन्होंने ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नोटिफिकेशन डाला था, ये मौजूद होगा, ये ऑफिशियल चीजें हैं।
और उसके जस्ट बाद जब रिजल्ट आता है 15 अप्रैल को, उसके बाद जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं और धड़ाधड़ वही भर्ती बोर्ड पुलिस की सहायता से 150 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार कर चुका है, 500 से ज्यादा लोग अनुपस्थित हैं, लगभग 20 सेंटरों पर FIR हो चुकी है, सेंटरों पर FIR होने के बावजूद वहां एग्जाम हुए हैं, इतने सारे सबूतों का स्क्रीन क्लोनिंग के सबूत हैं कि लोगों ने अंदर बंदा वही बैठा है और बाहर गाड़ी कार में बैठ के उसका पेपर दिया जा रहा है, ये ऑफिशियल प्रूफ है कि 1 मिनट के अंदर 40 प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। अगर हम, मैंने खुद भी एग्जाम दिए हैं, अगर हम क्लिक भी करते हैं और कंफर्म करते हैं उसमें भी 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर 4 क्वेश्चन तक सॉल्व हो रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सॉफ्टवेयर हैकिंग करें, आप एनी डिस्क से जो है स्क्रीन की क्लोनिंग करें। इस सबके बावजूद आज फिर ये प्रश्न उठ रहा है, जितने भी चाहे ये संविदा वाले विद्यार्थी हैं, UPSI वाले या लेखपाल वाले भी कट ऑफ को लेकर बहुत परेशान है, और सारे बंदों का सिर्फ सर 2 लाइनों में बताऊंगा कि आज उनका जो है मानसिक स्तर किस लेवल पे है। वो जब भी मिलते हैं सिर्फ एक ही बात उनके जेहन में रहती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इसे हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा बरपाना हमारा मकसद नहीं गुरुदेव, किसी भी हाल में अब ये सूरत बदलनी चाहिए। मैंने इतिहास का शिक्षक रहा हूँ शिव कुमार जी, इतिहास में जानता हूँ डलहौजी नाम का एक दुर्दांत व्यक्ति था जिसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई थी, और आज कहीं ना कहीं वो पॉलिसी की झलक देखने को मिलती है। आज इस तरीके से रिजल्ट निकाला गया है कि पास और फेल हुए बच्चों के बीच में डिवाइड एंड रूल हो चुका है। आधे बच्चे ये कहते हैं कि हमारी भर्ती को फंसाओ मत, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेचारे अभी बच्चे हैं, वो अनभिज्ञ हैं इस बात से कि जब अभी प्री की कट ऑफ 121 जा रही है तो मेंस की कट ऑफ जहां हजारों बच्चों के क्वेश्चन 160 में से 150 के ऊपर सही हैं, तो उनको लॉलीपॉप दे दिया गया है 122 प्रश्न सही होकर, वो DBPST दौड़ उन्होंने कर दी है, उनको लगता है कि मैं दरोगा बन जाऊंगा। आप बताइए प्रेम कुमार जी, कौशिक जी, शिव कुमार जी, आपको क्या लगता है कि जिस एग्जाम की कट ऑफ 121 जा रही हो, 122 और 23 सही क्वेश्चन होने पर क्या उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है क्या, जब हजारों बच्चे 145 प्लस के जो है नंबर में हो? जी मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ, और मैं इस पर एक पहला सवाल कौशिक जी से, फिर सुरेंद्र सर के पास जाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा विक्रम सिंह के पास। कौशिक सर, चर्चा होती है कि युवा बदल देता है सरकार, युवा बदल देता है देश का भाग, और युवा का उबाल संभलता नहीं है किसी से। युवा का उबाल ठीक उस दूध के उबाल की तरह होता है जो उठता है, लेकिन अगर पानी के छींटे उस पर मार दिए जाते हैं तो बैठ भी बहुत जल्दी जाता है। गुस्सा है, यही गुस्सा हमको दिख रही थी 2022 के चुनाव के पहले, और हमने आपको मनसा जाहिर की थी कि सरकार बदलने वाली है। मुझे कहते ना, मैं कतई जो सामने दिख रहा था वो मैं कह रहा था, लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे आए कि वो बवाल ठंडा हो गया और दूसरा बवाल पैदा हो गया।